बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स का, अब जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर है क्या? बेसिकली इंटरफेरेंस तो आप पहले भी पढ़ चुके, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने इंटरफेरेंस पढ़ा, फिर आपने इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स, फिर इसी तरह न्यूटन रिंग्स में इंटरफेरेंस का आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा। तो फिर ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर बाकी इंटरफेरेंसेस से डिफरेंट है तो क्यों है, इसको क्यों पढ़ना पड़ता है? तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बेसिकली एल्बर्ट ए माइकलसन ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसमें हम यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हम एक बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीजन डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो बना सकते हैं। ये उस दौर की बात है जब स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया जा रहा था, स्टैंडर्ड्स को गो के अब भी डिफाइन किया जाता है, लेकिन ये शुरुआत का दौर था जब 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए एक प्लैटिनम इरिडियम रॉड के ऊपर 2 फिक्स पॉइंट्स को यूज किया जा रहा था, लेकिन इट वॉज नॉट दैट मच प्रिसाइज। उसको मजीद प्रिसाइज बनाने के लिए जद्दोजहद जारी थी, कोशिशें जारी थी। सो एल्बर्ट ए माइकलसन ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो डिस्टेंस को मेजर कर सकता था इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ कंपोज्ड ऑफ 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ, ठीक है? तो ये पूरा डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या होता है, लैम्डा। अब हमें डिफाइन करना था 1 मीटर को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ्स। तो कितनी वेवलेंथ्स आपस में इकट्ठी मिलती चली जाए सच दैट द डिस्टेंस बिकम्स 1 मीटर। तो इस एक्सपेरिमेंट की स्टूडेंट्स वर्किंग डायग्राम ये है कि हमारे पास एक है सोर्स ऑफ लाइट, तरतीब से देखते जाना, सोर्स ऑफ लाइट है, इससे आगे एक ग्लास प्लेट है G1 जो हाफ सिल्वर्ड है या पार्शली रिफ्लेक्टिंग है, यानी इस पर से लाइट रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, ट्रांसमिट भी हो सकती। फिर है G2, G2 एक्सपेरिमेंट में हो भी सकती और नहीं भी, इसे कंपनसेटर प्लेट कहा जाता है, इट एडजस्ट अ पाथ डिफरेंस ऑफ द लाइट। अच्छा, इससे आगे फ्रंट पे एक मिरर है M2, ये मिरर है M2 और ये एक फिक्स्ड मिरर है, इसको मूव नहीं करना। जबकि इधर ऊपर एक मिरर M1 प्लेस्ड है जो मूवेबल है और मूवेबल भी है इस डायरेक्शन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन आई बनाई हुई है, यहाँ पे ऑब्जर्व होगा जो भी आगे फिनोमेना होगा उसको गौर से देखना है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स कि सोर्स ऑफ लाइट से एक रे ऑफ लाइट इस ग्लास प्लेट G1 पे इंसिडेंट होगी। अब यहां पर लाइट 2 हिस्सों में डिवाइड होगी क्योंकि पार्शली रिफ्लेक्ट होगी, पार्शली ट्रांसमिट होगी। इस डिवीजन ऑफ लाइट को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स। क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स। इंटरफेरेंस ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम जब लाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है। यहां पर लाइट पार्शली ट्रांसमिटिंग, पार्शली रिफ्लेक्टिंग हो रही, तो इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स। अच्छा, अब जो हिस्सा इसका मिरर M1 की तरफ जाएगा स्टूडेंट्स, मैं उसको रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं और इस लेंथ का नाम है L1। अच्छा, जो हिस्सा यहां से ट्रांसमिट होके स्ट्रेट आगे जाएगा वो इस तरीके से मिरर M2 तक जाएगा और इस सारी डिस्टेंस, इस सारे लेंथ को हम नाम देंगे L2 का। चूंकि मिरर M2 फिक्स्ड है तो ये लेंथ L2 भी स्टूडेंट्स क्या होगी, फिक्स्ड लेंथ होगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद लाइट इस मिरर से टकरा के वापस आएगी और इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। इसी तरह इस मिरर से टकरा के भी लाइट वापस आएगी और इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अब हमें यहां पर इंटरफेरेंस की 2 कंडीशंस पूरी होती नजर आ रही कि 2 वेव्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। देखें, इनके एम्पलीट्यूड्स अगर थे चेंज हुए हैं बट इनकी फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं हुई। तो 2 चीजें इनके लिए अभी भी क्या सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है
और इनकी डायरेक्शंस भी क्या है, सेम है, तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स? अब ये दोनों लाइट वेव्स जब ऑब्जर्वर की आंख में एंटर होंगी तो बेसिकली आपस में इंटरफेयर करती हुई आ रही, तो ऑब्जर्वर अपने प्रस्पेक्टिव में ये एक पैटर्न देख रहा है जो इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाएगा, कंजेक्टिव ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बैंड्स एंड सो ऑन। आपकी बुक पर जो बैंड बनाए गोल से दायरे में, ठीक है, उसको गौर से देखना है, वो उससे भी ज्यादा बारीक होता है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बहुत बड़ा सा इंटरफेरेंस पैटर्न बना के दे रहा हूं। सो ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द माइकलसन इंटरफेरोमीटर ऑन द स्क्रीन। अब ये पैटर्न स्टूडेंट्स एक्चुअल में इतना स्मॉल होता है कि हम किसी एक फ्रिंज या एक बैंड को फोकस्ड होके देख नहीं पाते। उसका हल हम क्या निकालते हैं, एक छोटी सी कॉमन पिन लेकर या सेफ्टी पिन लेकर हम किसी एक फ्रिंज के सामने यूं हैंग कर देते हैं। हैंगिंग से ये होता है कि हमें ये पता चलता रहता है कि वी आर ऑब्जर्विंग दिस फ्रिंज, हम इस ब्राइट स्पॉट को देख रहे हैं, या यहां पर हैंग कर देंगे तो दिस ब्राइट, इधर हैंग कर देंगे तो इस डार्क को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, यहां तक तो पैटर्न बन गया, ये पैटर्न तो खैर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बन जाता है। अब अगला काम क्या है, वर्किंग क्या है, हाउ टू मेजर द डिस्टेंस? तो स्टूडेंट्स ये वो डिस्टेंस है जो हम मेजर करेंगे, डिस्टेंस एल। अब करना ये है, आपको एक बेसिक आइडिया याद करना है कि स्टूडेंट्स एक ब्राइट स्पॉट से अगले ब्राइट स्पॉट तक जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 1 लैम्डा का। अब हमने क्या करना है, हमने इस पैटर्न को मूव करना है, या फिर दूसरे वर्डिंग्स में हमने इसको शिफ्ट करना है किसी भी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। गौर से मेरी बात सुननी। अब मेरी विश ये है कि मैं इस पैटर्न को इस तरीके से शिफ्ट करूं कि लेट्स से इसको नाम दे लेते हैं, ये पैटर्न ए बी सी और डी। मेरी विश ये है कि मैं इस पैटर्न को ऐसे फॉरवर्ड मूव कर दूं कि जो ए है वो मूव करता हुआ बी की जगह पर आ जाए, जो बी है वो मूव करता हुआ सी की जगह पे चला जाए, और जो सी है वो मूव करता हुआ डी की जगह पे चला जाए। ऑल राइट, अब देखें, अगर मुझे पैटर्न ए को बी की जगह पर लेकर आना है तो मुझे ए को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाना पड़ेगा, लैम्डा, यानी मुझे इसे 1 वेवलेंथ का पाथ अंदर ऐड करना पड़ेगा। सो व्हाट आई हैव टू डू स्टूडेंट्स, अब मैं करूंगा ये कि मैं इस मिरर एम वन को अपवर्ड डिस्प्लेस करूंगा, अपवर्ड डिस्प्लेस कर दूंगा बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैम्डा बाय 2। उससे क्या होगा कि जो लाइट वेव है उसको लैम्डा बाय 2 अपवर्ड भी जाना पड़ेगा, और फिर उस डिस्टेंस से लैम्डा बाय 2 उतने ही डिस्टेंस तक वापस भी आना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने यहां पर टोटल कितना पाथ ऐड कर दिया, 1 वेवलेंथ, यानी इस मिरर को सिर्फ लैम्डा बाय 2 ऊपर शिफ्ट करने से वेवलेंथ को या लाइट को लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस अपवर्ड भी तय करना पड़ेगा, और लैम्डा बाय 2 उस पॉइंट तक डाउनवर्ड भी तय करना पड़ेगा। तो रोशनी के रास्ते में आपने कितना मजीद पाथ ऐड कर दिया है, 1 वेवलेंथ का। ऐसा करते हुए जैसे जैसे आप M1 को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे, बी आगे शिफ्ट हो रहा होगा, सी और डी सब आगे शिफ्ट हो रहे होंगे, और इस कॉमन पिन के नीचे कौन सा जो फ्रिंज पैटर्न है वो आ चुका होगा। अब यहां पर ए बी सी एंड डी। सो देखें, आपने इस पिन के नीचे क्या काउंट कर लिया, एक शिफ्ट काउंट कर ली, एक वेवलेंथ काउंट कर ली। ऑल राइट, सिमिलरली आप इसे फिर लैम्डा बाय 2 से ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो फिर मजीद लैम्डा बाय 2 और फिर मजीद लैम्डा बाय 2 नीचे आना पड़ेगा। तो अब आपने टोटल कितना डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लिया, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा हो जाएगा। सो हम जब जब मिरर को लैम्डा बाय 2 से डिस्प्लेस करते हैं हम एक फ्रिंज काउंट कर लेते हैं। हमने एक दफा शिफ्ट किया तो हमने एक फ्रिंज काउंट कर ली, 2 दफा शिफ्ट किया हमने 2 फ्रिंजेस काउंट कर ली। तो स्टूडेंट्स हम एक पैटर्न बना सकते हैं, यहां पर तो हो गया ना कि लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 एड्स अ पाथ ऑफ 1 लैम्डा। सो वी कैन कैलकुलेट द लेंथ बाय ईच टाइम डिस्प्लेसिंग द मिरर
एंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ फ्रिजेस। हम लेंथ एल मेजर कर सकते हैं अगर हम हर बार इस मिरर को लैम्डा बाय टू से क्या करें, डिस्प्लेस करें, तो व्हाट वी कैन काउंट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो स्टूडेंट्स, ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का मेन लेंथ मेजरिंग फार्मूला है, जो फार्मूला एक न्यूमेरिकल में भी यूज हुआ है। अच्छा, यहां तक तो हो गई बात कि हमने एक ब्राइट से अगले ब्राइट तक जाना था। लेट इन केस के हमें एक ब्राइट से ब्राइट नहीं, हमें एक ब्राइट से अगले डार्क तक शिफ्ट होना, तो ये वो कॉमन पिन है। लेट से कि ये डार्क, इसको पॉइंट ए कह लेते हैं, इसको पॉइंट बी, इसको सी डी ई और एफ कह लेते हैं। अब आपको पता है कि ब्राइट और डार्क के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा नहीं होता, लैम्डा बाय टू होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हमें थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा कि अब हमें इस मिरर को लैम्डा बाय टू पर शिफ्ट नहीं करना, अब हमें इस मिरर को शिफ्ट करना है बाय डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाय फोर, यानी उससे भी दो गुना कम डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा बाय फोर अपवर्ड एंड लैम्डा बाय फोर डाउनवर्ड। सो लैम्डा बाय फोर अपवर्ड प्लस लैम्डा बाय फोर डाउनवर्ड, तो व्हाट पाथ वी हैव एडेड इन द पाथ ऑफ लाइट, लैम्डा बाय टू। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो ए डार्क स्पॉट है या डार्क बैंड है, ये शिफ्ट होके बी की जगह पे आ जाएगा। यानी यूं समझ लें कि अब ये कॉमन पिन आपको ब्राइट पे नहीं, इस डार्क पे हैंग करती हुई नजर आएगी। सो हमने इसको फिर से वन बैंड आगे शिफ्ट किया, हमने एक फ्रिंज काउंट कर ली। सो अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हम मिनिमम काउंटेबल डिस्प्लेसमेंट कितनी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसका आंसर है लैम्डा बाय फोर। कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हम कम से कम कितने फासले तक लाइट में पाथ ऐड कर सकते हैं, लैम्डा बाय फोर का। अब इस कम से कम का सुराग लगाते हैं। देखें, अगर हम विजिबल लाइट में सबसे छोटी वेवलेंथ की बात करें, तो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, 400 नैनोमीटर्स। हम इस वेवलेंथ से भी चार गुना कम डिस्प्लेसमेंट माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हासिल कर सकते हैं। अब देखें, यहां पर जब हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो 400 बाय 4 इट विल बिकम 100 नैनोमीटर्स। इट कैन बी रिटन एज 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर्स। इट कैन बी रिटन एज 10 रेज टू पावर माइनस 4, 10 एज टू पावर माइनस 3 मीटर्स। ऑल राइट, अब देखें, ये जो 10 एज टू पावर माइनस 3 है, इसको मिली लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या मिनिमम मेजरेबल डिस्टेंस जो आएगा, वो आएगा 10 एज टू पावर माइनस 4 मिलीमीटर्स। ये वो डिजिट है जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर की प्रिसीजन डिस्क्राइब करता है। अब इस डिजिट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा हिंट देता हूँ कि वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स एंड वी हैव देयर लीस्ट काउंट्स या देयर लेवल ऑफ प्रिसीजन। अब मीटर रॉड का जो प्रिसीजन लेवल है वो 1 मिलीमीटर, या लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है। वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर, एंड थिंक एंड लुक, माइकलसन इंटरफेरोमीटर इन तीनों इंस्ट्रूमेंट से कई गुना ज्यादा जो है वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। यानी माइकलसन इंटरफेरोमीटर 10^-4 मिलीमीटर तक आपको जो लेंथ है उसकी प्रिसीजन प्रोवाइड कर सकता है। सो चूंकि यहां पर शिफ्टिंग ऑफ द फ्रिंजेस की वजह से फ्रिंजेस क्या हो रही हैं, काउंट हो रही हैं। सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में माइकलसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट लाइट्स के साथ, तो उसने ये देखा कि कौन सी लाइट की वेवलेंथ कितनी वेवलेंथ हो तो 1 मीटर बनता है। तो उसकी दो इंफॉर्मेशन, एक तो माइकलसन के टॉपिक में लिखा हुआ और एक फर्स्ट ईयर के पेज नंबर 265 पे एक इंफॉर्मेशन लिखी है स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लेंथ में, कि अगर आप यूज करते हैं रेड कैडमियम लाइट तो 1 मीटर डिस्टेंस 1553163.5 वेवलेंथ के इक्वल बनता है। अगर आप मेजर करते हैं ऑरेंज रेड जो है रेडिएशन यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लेंथ के तौर पे भी किसी अरसे में यूज होती रही है, तो उसमें 1 मीटर बनेगा 1650763.3 वेवलेंथ। यहां मैंने शुरू में बताया था कि इतनी वेवलेंथ अगर आपस में जुड़ती चली जाए
तो वो एक डिस्टेंस कितना डिस्टेंस बनेगा, 1 मीटर डिस्टेंस बनेगा। तो इस सारे को समराइज करते हैं, तो इंटरफेरोमीटर क्या करता है, इट्स अ हाई प्रिसीजन डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ्स। इट्स प्रिसीजन इज 10^-4 mm, विच अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। वर्किंग डायग्राम, सोर्स ऑफ लाइट, ग्लास प्लेट हाफ मिरर्ड, ग्लास प्लेट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, फिक्स मिरर, मूवेबल मिरर, ऑब्जर्वर, लाइट डिवाइड होगी दो हिस्सों में, L1 और L2। L1 मेजरेबल होगा, वी कैन फाइंड द लेंथ बाय ईच टाइम डिस्प्लेसिंग द मिरर बाय λ/2। और यहाँ पर आप अपनी आसानी के लिए, मतलब यहाँ पे हम λ/4 भी लिख सकते हैं अगर आप और प्रिसाइज लेंथ जो है वो मेजर करना चाहते हैं। फिर λ/4 डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, इस मिनिमम डिस्प्लेसमेंट से हम मिनिमम मेजरेबल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, विच विल बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे पास 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेंथ मेजरिंग जो डिफरेंटली प्रिसाइज्ड हैं, और कितनी वेवलेंथ्स किस लाइट की 1 मीटर डिस्टेंस बनाती है ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर गिवन है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।